इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ आपके दिमाग से सब कंट्रोल हो रहा हो। अगर आपने लूसी मूवी या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज देख रखी है तो वैसे पावर पाने की विश तो हो ही होगी। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि अब ये सब पॉसिबल होने जा रहा है। अगर आपको किसी से बात करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो बोलने या टाइप करने की जरूरत नहीं है और न ही लैंग्वेज का बैरियर। आप केवल मन में सोचो और वो सब काम हो जाएगा। आप सुपर इंटेलिजेंट हो जाओगे। आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। करके सारे अप्लायंसेस आप अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहे होगे। आपको दुनिया में किधर भी कम्युनिकेट करना हो आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने पावर से अगले के दिमाग में वो बात डाल दो। सबसे औसम चीज तब होगी ना जब आप अपने वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के मन की बात को उनके बिना बोले समझ पा रहे होगे। हम बात कर रहे हैं न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी के बारे में। We're thrilled to introduce Neuralink's Prime study, the first clinical trial of a groundbreaking experimental device that could help transform the lives of people with paralysis. Imagine the joy of connecting with your loved ones, browsing the web, or even playing games using only your thoughts. This is made possible by placing a small, cosmetically invisible implant in a part of your brain that plans movements. Neuralink के founder हैं Elon Musk और ये company neuro technology पे काम कर रही है। कुछ time पहले Elon Musk ने बताया था कि वो एक ऐसी technology लाने जा रहे हैं जिससे human brain को और powerful बनाया जा सके। इस technology का इस्तेमाल खास तौर पे medical treatment के लिए किया जाएगा। ऐसी बीमारी जो कि ठीक कर पाना almost impossible था, जैसे कि stroke या फिर किसी की body अगर paralyzed है तो इस डिवाइस का यूज करके बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे एनिमल पे टेस्ट किया गया, उसके बाद से अभी ये ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए अवेलेबल है। आप neuralink.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये केवल यूएस के लोगों के लिए ही अवेलेबल है। ये डिवाइस एक चिप के जैसी होगी जिसे न्यूरल थ्रेड बोल सकते हैं, जो कि साइज में बहुत छोटी होगी, जो कि ह्यूमन द्वारा ब्रेन में इंस्टॉल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए खास तरह के रोबोट्स बनाए गए हैं जो सबसे पहले जिधर भी वो चिप को इंस्टॉल करना है वो वाले एरिया को वो सुन करते हैं, फिर उस पे एक ओपनिंग बनाते हैं और फिर जो चिप है उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। फिर वो चिप एक एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाता है और जो भी सिग्नल उसको ब्रेन से मिल रहे होते हैं वो डायरेक्टली जो एप्लीकेशन से कनेक्टेड है उसको वो ट्रांसफर करता रहता है और वो एप्लीकेशन वो सिग्नल को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ह्यूमन ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए प्रत्येक थ्रेड में सैकड़ों इलेक्ट्रोड होते हैं जो ब्रेन के मोमेंटम को नोटिस करते हैं और ये डिवाइस वायरलेसली काम करता है। तो चाहे डेटा ट्रांसमिशन का काम हो या फिर चार्जिंग करना हो, सब वायरलेस होता है। इस डिवाइस की चार्जिंग कैपेसिटी फिलहाल 8 घंटे होगी। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। सपोज करो कि मेरे दिमाग ने सोचा कि इस चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, तो जैसे ही हमने ये सोचा तो जो ब्रेन में डिवाइस इंस्टॉल है वो क्या करेगा, वो सिग्नल को कैप्चर करेगा और एप्लीकेशन को पास कर देगा। और एप्लीकेशन क्या करेगा कि उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंटरनेट पे सर्च करेगा और उसको स्टेप भेजेगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाने से ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाता है। तो वो क्या करेगा कि जिस लैंग्वेज में आप ब्रेन समझ पा रहे हैं उसको क्या करेगा, उस वेब में फॉर्मेट करके और मेरे ब्रेन को वो जो मैसेज है वो पास कर देगा। तो मेरा दिमाग क्या है, वो जो चीज है वो समझ जाएगा। ऐसे ही करके आपको दुनिया में जितने भी क्वेश्चन है आप सिंपल से केवल सोचोगे और सोचने के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, वो जो थिंकिंग है आपकी वो आपके डिवाइस में अवेलेबल होगी। आप वहाँ से सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली आपका ब्रेन जो है वो सारा मैसेज अपने आप ही समझ जाएगा। तो ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मैसेज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपको कोडिंग सीखना है, चाहे आपको AI सीखना है, कुछ भी सीखना है, अब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोचो इस टेक्नोलॉजी का यूज अगर गलत इंटेंशन वाले पर्सन के हाथ लग जाए तो कितना हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहली चीज की जो भी चीज हम सोच रहे हैं उसको वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो जो डिवाइस है वो किसी हैकर के हाथ में लग जाता है या फिर जो डेटा है वो हैकर के हाथ में लग जाता है, वो कंट्रोल करे तो दुनिया भर के लोगों का थिंकिंग वो गैदर कर सकता है। और क्योंकि हम जो भी मैसेज है हम चाहे तो ब्रेन में डाल सकते हैं या फिर ब्रेन से ले सकते हैं, तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको सब्सक्राइब करवाना है ये चैनल, ओके, तो मैं वो डिवाइस का इस्तेमाल करके मैं ये मैसेज आपके ब्रेन तक पास कर सकता हूँ कि भाई तुम मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो, तो सोचो ये कितना हार्मफुल है। मतलब कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन वास्तव में अगर ये सारी चीजें हो तो आप कितने बड़े संकट में आ सकते हो। तो जहाँ इस डिवाइस का बहुत ही ज्यादा उपयोग भी है, उतना ही ज्यादा नुकसान भी है इसका। आप क्या सोचते हो इस डिवाइस को लेके, वो मुझे बताओ। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मैं हिल गया था।